वेलकम बैक एलएचबी इंडिया की एक नई वीडियो में मौसम को लेकर अभी एक फिर ताजा खबर निकल कर आ रही कि यूपी वेदर अपडेट। उत्तर प्रदेश के 25 से ज्यादा जिलों में अब मौसम विभाग ने भीषण बारिश और कड़ाके की ठंड को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। सामने आया मौसम का एक नया अपडेट, तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से 25 जिले हैं जिनमें अब फिर मौसम विभाग ने भीषण बारिश और कड़ाके की ठंड को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, नए साल 2024 के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। सूबे में पड़ रही भीषण ठंड ने प्रदेशवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। साथ ही इन दिनों कोहरा भी जमकर पड़ रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और इससे आवाजाही पर भी असर पड़ा है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने लखनऊ केंद्र ने अब अगले 24 घंटे सूबे में मौसम कैसा रहेगा इसको लेकर जानकारी साझा की है। बता दें कि IMD ने इन दो दिनों के लिए 25 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जिनमें अब भीषण बारिश और कड़ाके की ठंड को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं अगर बात करें कि वो कौन से 25 जिले हैं जिनमें मौसम विभाग ने भीषण बारिश और ठंड को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है, तो आपको बता दें IMD ने बताया है कि लखीमपुर खीरी, गोंडा, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कन्नौज, बाराबंकी, रायबरेली, कासगंज, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, संभल और बदायूं के आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे लगातार मौसम विभाग ने भीषण बारिश और कड़ाके की ठंड को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं अगर बात करें कि किन इलाकों में अत्यधिक घना कोहरा पड़ने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है, तो मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार बहराइच, शामली, सहारनपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, पीलीभीत, शाजापुर, संभल और उसके आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने अत्यंत घना कोहरा पड़ने की संभावना अब जता रहा है। इसी बीच अगर बात करें कि और कुन के राज्यों में मौसम विभाग ने भयंकर बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है, तो आपको बता दें मौसम विभाग ने दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में घने कोहरे और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बहुत घना पड़ने की भी संभावना मौसम विभाग जता रहा है और मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि आसमान में लगातार आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। IMD ने कहा है कि दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर शीतलहर का भी प्रकोप रह सकता है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान क्रमशः 15 और 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं अगर बात करें कश्मीर घाटी की, तो यहां अगले एक हफ्ते तक लगातार हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जिससे लोगों का बर्फबारी का लंबे समय तक इंतजार खत्म होता नजर आएगा। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिनों तक लगातार ऐसे ही आमतौर पर आंशिक तौर पर बादल भी छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं दो दिनों तक जम्मू कश्मीर में कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश या तेज बारिश भी हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी होने की भी संभावना है। वहीं कई स्थानों पर हवाओं की रफ्तार भी 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।